अनमोल अंगूठी। कृष्णदेवराय एक अनमोल रत्नों की अंगूठी पहनते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि वो अंगूठी खो गई है। उन्हें पहरेदारों पर संदेह हुआ, पर सारे पहरेदारों में से किसने चोरी की होगी इसका निर्णय वो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रामन को बुला लिया। रामन, मेरे अनमोल रत्नों की अंगूठी खो गई है। मुझे अपने 12 पहरेदारों पर संदेह है। क्या तुम चोर को पहचान सकते हो? चोर को पकड़ने के लिए मेरे पास एक योजना है, पर उसके लिए मुझे क्या भेंट मिलेगी महाराज? अगर तुम चोर को पहचानोगे तो तुम्हें सोने के 100 सिक्के इनाम में मिलेंगे। रामन ने राजमहल के एक कमरे में सारे पहरेदारों को बुला लिया। सिपाहियों, अंदर काली की मूर्ति है। सबको एक एक करके अंदर जाना है और काली के दाएं पैर को छूना है। पर हमें ऐसा क्यों करना है? महाराज की अंगूठी खो गई है और चोर को पकड़ना है। अगर तुम लोग काली के पैर छुओगे तो काली मेरे सपने में आकर चोर के बारे में बताएगी। रामन ने एक के बाद एक पहरेदार को अंदर भेजा। पहरेदारों ने अपने हाथ काली के पैरों पर रखे। जब वे बाहर आए, अपना अपना हाथ मुझे दिखाना, मुझे उसकी गंध लेनी है। रामन ने पहले 6 पहरेदारों से जाने के लिए कहा और 7वें पहरेदार के हाथ का गंध लेने लगे। राजन, यही चोर है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, गलती हो गई, मैं अंगूठी वापस कर देता हूँ। राजा ने उस पहरेदार को कारागृह में डालने की आज्ञा दी। तुमने उसे कैसे पहचाना रामन? तुमने तो कहा था कि काली तुम्हारे सपने में आएगी। ये तो बहुत आसान है महाराज। मैंने काली के दाएं पैर पर सुगंधित द्रव लगाया था। काली के पैर पर जो भी हाथ रखता उसके हाथ में सुगंध लग जाती। पर ये सिपाही तो घबरा गया और उसने अपने हाथ काली के पैरों पर नहीं रखे, इसलिए मैंने जान लिया कि यही चोर है। राजा ने रामन की प्रशंसा की और उन्हें एक थैली सोने के सिक्के दिए।